तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे भारत का एक ऐसा सांप, और जिस सांप को ये अपना निवाला बना रहा है उसको हम फॉरेस्ट कैट स्नेक कहते हैं, जो नॉन वेनमस होता है लेकिन काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। तो वैसे दोस्तों एक बात है कि भगवान दोनों को ही बनाए हैं, किसी के लिए भोजन है, किसी के लिए ज़िंदगी है, हम इससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइव दिखाने का हमारा पूरा प्रयास है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी से काफी दूरी पर आ चुका हूं। यह है दोस्तों पावन सरजमी राजस्थान। और वैसे भी दोस्तों ये राजस्थान क्यों कहा गया है, जो राजाओं का गढ़ है। सबसे पहले दोस्तों मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ और सर से लगाता हूँ। यह एक ऐसी भूमि है जहाँ पर महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिनकी मैं गिनतियाँ कैसे करूँ छोटे मुख से, लेकिन मैं सभी को प्रणाम करते हुए एक बेजवान को बचाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और एक हमारे परम मित्र हैं, दिल के परम अजीज, जिनको हम श्याम के नाम से जानते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा अपने सामने। और दोस्तों बड़ी बात यह है, खुशी की बात यह है कि यहाँ पर बीकानेर राजस्थान में वही रेस्क्यू करते हैं, लगभग 100-200 किलोमीटर की दूरी जा जाते हैं, तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर सूचना दिया। आइए सर, इनसे सबसे पहले तो मैं दोस्तों इनको गले लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए आप अपना नाम पता बताइए। मैं श्याम गोविंद सर, और स्नेक रेस्क्यू आज 12-13 वर्षों से जीव रक्षा का कार्य कर रहा हूँ, और 30,000 से ज्यादा बेजुबान जीवों को मैं बचा चुका हूँ। और आज वो जा रहे आज बड़े भाई साहब से मिलकर हैं, जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले हमें जो पहले हम रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे भाई साहब। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और आप नजर जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए दोस्तों आप दिखाते हैं। वाइपर नहीं, फॉरेस्टिंग कैट ही है ये दोस्तों। सा वाइपर है ये भी वेनमस स्नेक ही था। इसकी कद काठी के हिसाब से ये छोटा था, इसलिए इसको ये भोजन के रूप में दिया। तो दोस्तों ये बाहर की दिशा से यहीं पे सांप को खाया और खा करके भाग रहा था, लेकिन जैसे लोगों ने दौड़ करके देखना चाहा, ये सांप जो है यहीं पर पलटी कर दिया। ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है जिसको हम इंडियन कोबरा कहते हैं। भाई आप इसके बारे में बताओ। ये ब्लैक कोबरा है, और इसको है जो राजस्थान में अपने यहाँ क्षेत्र में पूजा जाता है, मतलब पूजनीय है, पूजनीय है। इसको कोई भी मारता नहीं है, हालांकि ये बिना छेड़े किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, छेड़ने पे ये है जो नुकसान पहुँचाता अपने बचाव के लिए। लेकिन जो है शिव जी के गले में विराजमान होता है, इसकी दृष्टि से देखकर इसको पूजनीय माना गया है। यहाँ के लोक देवता जो वीर तेजा जी हैं, अपने राजस्थान के जो बबूता सिद्ध नखत बना है, इनकी दृष्टि से हैं जो इनको पूजनीय माना जाता है, और इनकी पूजा भी होती है। नाग पंचमी के दिन है जो घरों पर आकृतियां बनाकर, जैसे वो सामने आकृति सांप की दिखाई दे रही है, वो सांप की आकृति बनाई हुई है, और लोग हैं जो पूजा करते हैं इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर सांपों की इस कदर पूजा होती है कि उनको अपने घरों पर स्थान देते हैं, अपने दिल में स्थान देकर के पूजे जाते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पानी पीने का पानी योग्य है, इसलिए इसको यहाँ से निकालते हैं, काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में जहाँ भाई चाहेगा वहाँ रिलीज करते हैं। ठीक है, आइए एक बार इसको हम निकाल देते हैं। ऊपर से दिखाइए सर कहाँ है। खुद घर से पता नहीं है। बड़ी छड़ी होगी उसकी डाल का घुमा दे। हाँ निकल रहा है, निकल रहा गया वापिस। आप वापिस
दोस्तों आप इसे देखिए, ये पूरी तरीके से ब्लैक है और बहुत ही पूजनीय है यहाँ पर। और श्याम भाई के पास फोन आया, श्याम भाई ने मुझे याद किया। काफ़ी खाया पिया घर से है, लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है अभी ये भोजन किया था। आइए दोस्तों लेके चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर दीवार पर आप देखिए जो ये बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सांपों की पूजा होता है दोस्तों। ये इसके फन के ऊपर देखिए, ये है स्पेक्टिकल्ड कोबरा दोस्तों। यही सांप ये खाया हुआ था, इसको आप देखिए। दोस्तों ये देखिए, यही सांप ये खाया हुआ था। और ज्यादा लोगों को देखने के बाद में दोस्तों, इसे जैसे ही लोग इसको देखने लगे, ये पलटी करके भाग गया। इसके हुड को देख करके दोस्तों ऐसा लगता है जैसे ये किंग कोबरा ही हो। तो वीडियो बनाने का दोस्तों एक मकसद है, दूर दूर जा करके यहाँ पर कुछ और रंग बिरंगे सांप मिलते हैं। तो जब भी सांप काटे सीधा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, कहीं पर भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। बड़ी बात यह है दोस्तों, ये छेड़छाड़ करने के बाद में ये एक जगह गोला बना करके रुक जाता है अपने बचाव के लिए। ये देखिए बड़े आराम से ये खड़ा है। तो दोस्तों जो लोग बीन बजा करके सांप को डांस कराते हैं, तो बीन बजाने से सांप डांस नहीं करता। जब बीन को सांप के सामने हिलाते हैं किसी चीज़ को, तो सांप अपने बचाव की वजह से इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूमता है। तो गांव में लोगों को ये लगता है कि हमारे बीन बजाने से सांप डांस कर रहा है। आप ही देखिए इसी प्रकार। जी जी दोस्तों, ये भी काटने से पहले फुंकार मारता है। इसका कहना रहता है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आप मुझे छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, है ना जी। दोस्तों आप ये देखिए, ये साइस्कल्ड वाइपर, साइस्कल्ड नहीं सा वाइपर ही कहेंगे, मर चुका है ये भी दोस्तों। ये सा वाइपर है, इसके अंदर ह्यूमोटॉक्सिक पाया जाता है, जैसे अपने रसल वाइपर के अंदर पाया जाता है। यदि अगर मैं सही हूँ तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि सा वाइपर में कौन सा वेनम पाया जाते हैं। और बैग लाए हैं सर, बैग लाइए, पैक कर कैमरे वो बड़े। जाओ जाओ इसमें जाओ, आ जाओ आ जाओ, जाओ आराम से जाओ। अब नींद उठी, पहरेदार कमजोर है, पहरेदार कमजोर। चलिए इस प्रकार से दोस्तों इस मेजबान को बचाया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय बाय। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को। तो थैंक यू आप सभी को।